आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ फेस पॉलिशिंग चैलेंज शेयर करने के लिए आई हूं जो कि एक प्रोसेस है जिसके आखिरी स्टेप को कर लेने के एक घंटे के बाद ये रिजल्ट है जी हां इस समय मैंने अपने स्किन पर सिर्फ सनस्क्रीन पहना हुआ है और लिपस्टिक पहनी हुई है इसके अलावा नथिंग एट ऑल नॉट इवन माई आईब्राउस नथिंग तो बहुत सारे लोग बोलेंगे इतना भी कोई खास नहीं है एंड आई कंप्लीटली अग्री इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन लेकिन इस वीडियो का ध्येय ये है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो फेशियल्स आप कराते हैं उनके रिजल्ट्स काफी कम अवधि के लिए होते हैं और स्किन के लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होते हैं लेकिन आज जो हम फेस पॉलिशिंग चैलेंज कर रहे हैं ये आपकी स्किन को इवन आउट करता है आपके कैनवस को बिल्कुल क्लीन कर देता है आपको पिंपल मार्क्स भले ही रह जाए लेकिन स्किन इतनी क्लियर हो जाती है कि जैसे आप इस पर मेकअप करेंगे ये कंप्लीटली कवर हो जाएगा एंड विल हैव नो टाइनी बम्स नथिंग एट ऑल तो अगर आप ये चैलेंज लेना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए समझिए और फिर अपने लिए ट्राई कीजिए और हमें भी बताइए आपके लिए कैसा रहा अगर वीडियो पसंद आए तो क्या करना है आइए जानते हैं व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन प्रीति प्रेरणा के परिवार के प्रत्येक सदस्य का मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ आप सभी के कॉमेंट्स पढ़ के मैं दिन भर स्माइल करती हूँ थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आप सभी के प्यार के लिए सपोर्ट के लिए मैं जितना आभार व्यक्त करूँ उतना कम है थैंक यू थैंक यू थैंक यू दैट इज़ ऑल आई कैन से अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चेकआउट कीजिए इस खूबसूरत से परिवार को और आपको भी हमसे प्रेम हो जाएगा सच बता रहे हैं आपको नीचे लाल रंग का बटन है उसे क्लिक कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो किसी भी फ्यूचर वीडियो को आप मिस नहीं करेंगे और पूरे परिवार की तरह टाइमली यहाँ आ पाएंगे आज के वीडियो में एज स्टेटेड इन द इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूं एक फेस पॉलिशिंग चैलेंज जो कि आपको बेहतरीन रिजल्ट्स दे सकता है आपके कैनवस को क्लीन कर सकता है डीप एक्सफोलिएट कर सकता है आपकी स्किन को इवन टोन कर सकता है किसी भी परेशानी से आपकी स्किन जूझ रही है उसको आप बेटर ऑफ कर सकते हैं अपनी स्किन की हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और ये विजिबल रिजल्ट आपको फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद ही दिखने लग जाएंगे लेकिन अगर आप इसको एक्जैक्टली exactly ऐसे ही करते हैं डूज एंड डोन्स का ख्याल रखते हैं ओवर एक्सफोलिएशन नहीं करते हैं अपनी स्किन को वो टाइम देते हैं कि वो अपने आप को हील कर सके रिकवर कर सके और बेटर ऑफ हो सके तो यकीन मानिए आप बहुत खुश हो जाएंगे जल्दी से शुरू करते हैं कि क्या करना है कैसे करना है सबसे पहली चीज किसी भी प्रोसेस में अगर हम स्किन केयर के लिए कर रहे हैं इज क्लेंजिंग तो स्टेप नंबर वन के लिए आप अपने चेहरे को जिस भी फेस वॉश के लिए आप कंफर्टेबल हैं उससे वॉश कर लीजिए फेस वॉशिंग का मतलब होता है ऑयल डर्ट जितना भी पल्यूटन सेक्यूमलेटेड है आपकी स्किन पे उसको आपको हटाना है इसके लिए आप कोई भी यू नो रगड़ रगड़ के काम नहीं करेंगे लेकिन आप बहुत डीप क्लीन करेंगे आपकी यू नो नोज के अराउंड डिपोजिशन uh, होते हैं माउथ के अराउंड डिपोजिशन होते हैं चिन पर डिपॉजिशन होता है आंखों पर इसके बाद आप अच्छे से स्किन स्प्लैश करके एंड पैट ड्राई ऑफ फेस किसी भी पॉइंट पे आप रगड़ेंगे नहीं स्किन को वी डोंट वांट कि हमारी स्किन थोड़ी सी टेंसड हो जाए स्ट्रेस्ड हो जाए इट्स ओनली वी आर पैम्परिंग आर स्किन राइट तो पैट ड्राई ही कीजिए डन इसके बाद आता है स्टेप नंबर टू जिसके लिए आपको चाहिए माइसिलर वाटर देखिए अगर आप मेकअप नहीं करते हैं काजल तक नहीं लगाते हैं तो सिर्फ फेस धोना इज सफिशेंट लेकिन अगर आप काजल भी लगाते हैं तो माइसिलर वाटर से अपने फेस को क्लीन करना इज मैंडेटरी क्यों माइसलर वाटर इज अ चार्ज पार्टिकल्स जो कि आपके मेकअप से सीधा जाके चिपकता है और उसे लेके बाहर आ जाता है इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट स्टेप आपने देखा मैंने कितने अच्छे से फेस वॉश किया उसके बाद भी माइसिलो वॉटर के इस्तेमाल से जब मैंने अपनी आंखों को क्लीन किया तो इतना सारा काजल बाहर आया तो आप समझे इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि अगर आप अपने चेहरे पर कुछ भी एक्सटर्नली लगाते हैं अपार्ट फ्रॉम यू नो क्रीम्स एंड मॉइस्चराइजर्स तो ये तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए ना इन दो स्टेप्स के बाद आपका चेहरा तो अच्छे से क्लीन हो चुका है ऑफ एनी एक्सटर्नल चीज़ कोई एक्सटर्नल चीज़ उस पर नहीं है इसके बाद अब आपको करना है स्टेप नंबर थ्री विच इज गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिशिंग स्टेप सबसे जरूरी स्टेप है ये और इसके लिए अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप यहां पर एलोवेरा जेल लेंगे जैसा कि मैंने लिया है मैं मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल ले रही हूं मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी ली है और इसको अपने चेहरे पर अलग अलग जगह डिपॉजिट करके और फिर मसाजिंग शुरू करी है नाउ बिफोर एक्चुअली डिस्कसिंग दिस Uh, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको चाहिए घर पर बनी हुई मलाई अब हमारे पास तो मलाई नहीं है दूध के ऊपर मलाई जमा होती है ना आप वो ले लीजिए इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी वेरी स्वीट फॉर योर स्किन मतलब आपकी स्किन ना मतलब उससे बढ़िया पॉलिशिंग हो ही नहीं सकती तो आप वो भी ले सकते हैं मलाई ले लीजिए अगर ड्राई स्किन है ऑयली या कॉम्बिनेशन है तो आप एलोवेरा जेल ले लीजिए प्लांट बेस्ड लेना चाहते हैं एलोवेरा वो भी ले सकते हैं एप्सल्यूटली नो प्रॉब्लम तो इसको आप ले लेने के बाद चाहे जो भी आपने लिया है मलाई ली है प्लांट बेस्ड एलो लिया है या मार्केट बेस्ड एलो लिया है अपनी स्किन को मसाज कीजिए नाउ ये जो मसाजिंग है ना वैसे तो आप नॉर्मली भी करते हैं मसाजिंग फेशियल्स में ये उससे थोड़ी अलग होगी मैंने इसमें लिटरली अपनी स्किन को आराम से इतमान से सात मिनट के लिए मतलब तो अभी आपको लग रहा है कि सात ही मिनट करके देखिएगा आपको पता चलेगा एक एक मिनट बहुत बहुत लंबा होता है जब ये प्रोसेस करते हैं तो अच्छे से मसाज करना है अपनी स्किन को एवरी सिंगल पॉइंट बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें whiteheads हेड्स बहुत होते हैं हमें ब्लैक हेड्स हो जाते हैं हमें डिपोजिशन होता है हमारे पोर्स क्लीन नहीं है क्लॉग्ड है इन सभी लोगों की शिकायत कम्प्लीटली दूर होने वाली है क्योंकि जब आप मसाज करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन में हीट जनरेट हो रही है आपकी जो स्किन uh, है वो लिटरली गर्म हो गई है आपके हाथ हथेलियाँ गर्म हो गई हैं बट यू विल नॉट स्टॉप आप अच्छे से मसाज करेंगे वाइल मसाजिंग आपको बहुत ध्यान देना है कि जो भी आपकी प्रॉब्लमेटिक एरिया है अगर आपके माउथ के अराउंड डार्कनिंग है तो आप वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए प्रॉपरली अगर आपके नोज के अराउंड डार्किनिंग है या बार बार वहाँ पिंपल होते हैं या बार बार वहाँ पर स्किन यू नो इची हो जाती है तो आप वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए आपको ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की परेशानी है तो नोज पर अच्छे से यू नो कॉन्सेंट्रेट कीजिए अगर आपकी ब्लैक हेड्स आपके फोर हेड और आपकी चिन पर भी हैं तो यहाँ पर भी फोकस कीजिए पर्पज़ ये है कि आप पॉलिश कर रहे हैं लिटरली और आपको किसी भी पॉइंट पे ना तो स्क्रब में इस्तेमाल कराने वाली हूँ यहाँ पर ना कोई यू नो औजार आपकी स्किन पर लगने वाला है आपको बस कॉन्सेंट्रेट करना है अच्छे से मसाज करने पर आप नेचुरल चीज से मसाज कर रहे हैं कोई साइड इफेक्ट नहीं है अनदर थिंग जब आप मसाज करेंगे ना इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी कि जैसे ही आप क्लीन करेंगे अपने चेहरे को सारे ब्लैक हैड्स व्हाइट हैड्स बाहर आ जाएंगे यही तो मैजिक है इसका तभी तो उसको पॉलिशिंग बोल रहे हैं और मैंने किसी भी पॉइंट पर ना पानी लिया ना गुलाब जल कुछ नहीं मैंने सिर्फ एलो से ही मसाज करी है और तब तक मसाज करी है जब तक ये स्किन में खुद एब्जॉर्ब ना हो जाए जी हाँ आपकी स्किन देखिए ब्लड का सर्कुलेशन पूरी तरह से आपके फेस पर आ चुका है और अब ब्लड जो है वो एब्जॉर्बेशन करने वाला है फ्रॉम द स्किन तो इसीलिए अच्छे प्रोडक्ट का चयन कीजिएगा और अच्छे से मसाज करते हुए लेट इट सीप इन साइड योर स्किन हर लेयर को मॉइस्चराइज होने दीजिए और वो हाइड्रेशन मिलने दीजिए आपका एक एक सेल आपको थैंक यू बोलेगा पोस्ट द प्रोसेस इसीलिए अच्छे से कॉन्सेंट्रेट एंड मसाज राइट अच्छे से जब मैंने इसको अपने चेहरे पर यू नो एब्जॉर्ब होने दिया इसके बाद इतनी मसाज करिए यू नीड रेस्ट तो आप फाइव मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए और आप इसको अपने चेहरे पर रहने दीजिए पोस्ट दैट आप अपने चेहरे को हल्का सा स्प्लैश करेंगे पूरा का पूरा एलोवेरा आपको दिखेगा कि आपके चेहरे पर ही है कहीं नहीं गया वो दिख रहा था कि एब्जॉर्ब हो गया पर स्प्लैश करते हैं इट 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 इज ऑल गोइंग टू बी स्लाइमी अगेन इसके बाद आप चाहिए तो थोड़ा सा और मसाज कर सकते हैं इफ एट ऑल यू हैव दी एनर्जी अदरवाइज आप टिश्यू पेपर लेंगे और अपने चेहरे को अच्छे से वाइप कर लेंगे अब आपको समझ में आया मतलब जब आप वाइप करेंगे ना आपको दिखेगा कि ओ माई गुटनेस ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ऑलरेडी फेशियल हो चुका है ऐसा लगेगा क्योंकि आपने बहुत इंटेंस मेजर लिया है अपनी स्किन के लिए लग रहा है आसान है बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और जैसे ही आप वाइप क्लीन कर देंगे ना पूरे चेहरे को गर्दन को गर्दन को कभी नहीं मिस करना अच्छे से यू आर गोइंग टू बी अमेज इतनी सॉफ्ट एंड सपल स्किन आप बोलेंगे बस हो गया आप कुछ नहीं चाहिए इतना ही बहुत है लेकिन थोड़ा सा हमें और एफर्ट करना पड़ेगा क्योंकि स्किन को बहुत ज़्यादा हमने हीट से यू नो वर्कआउट किया है कराया है तो थोड़ा सा हमें और इसे पैम्पर करना पड़ेगा जब आप अपनी स्किन को अच्छे से वाइप ऑफ कर दें आपको ऑब्वियसली आई गोइंग टू एंजॉय इसके बाद आपको लेना है एक फेस पैक जो कि आपकी स्किन के सेल्स को थोड़ा सा यू नो सेटल करेगा क्योंकि हीट की वजह से सारे पोर्स ओपन हो जाते हैं एंड एवरीथिंग फेस पैक इज गोइंग टू सेटल इट डाउन और वो भी पॉलिशिंग फेस मास्क की है जो कि बेहतर रिजल्ट देगा ऑब्वियसली तो इसके लिए एक बोल में आपको लेना है एक बड़ा चम्मच बेसन जो कि क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज रखता है किसी भी प्रकार का डिपोजिशन या वट इट इज जो लेफ्ट आउट है वो बाहर आ जाता है सेकेंड इज वन टेबल स्पून ऑफ मुल्तानी मिट्टी बहुत 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 गजब का मैग्नेट होता है ये मतलब इट्स अ सकर फॉर डर्ट आपकी पूरी स्किन से जितना भी यू नो एंड मॉइस्चर आल्सो यस मॉइस्चर को भी ले जाता है लेकिन हम उसके लिए कॉम्पनसेट करेंगे तीसरा इंग्रेडिएंट जो यहाँ पर आप लेंगे वो है एक तिहाई चम्मच फेनोग्रीक पाउडर यानी कि मेथी दाना का पाउडर जो कि घर पर हुआ नहीं हो तो बहुत अच्छा है क्योंकि Uh, हमें बिल्कुल पाउडर चाहिए महीन चीजें चाहिए जो स्किन पर इस वक्त लगे दरदरी नहीं क्योंकि स्किन बहुत हमने वर्कआउट किया है हल्का सा भी स्क्रब आपने किया स्किन पे रैश पड़ जाएंगे तो ये नहीं करना है आपको इफ एट ऑल फॉर एनी रीजन आप इस ब्लेंड के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप मसूर दाल को पीस के छान के मसूर दाल का जो पाउडर होता है ये ले सकते हैं और इसमें सैंडलवुड पाउडर यानी कि चंदन पाउडर ले सकते हैं एंड इसको मिक्स करके भी लगा सकते हैं इक्वल ही रिजल्ट आपको मिलेंगे इस प्रोसेस में बाकी दोनों ऑब्वियसली अलग अलग पोटेंसी रखते हैं लेकिन यहाँ पर जो पर्पज हम करना चाहते हैं उसके लिए ये भी सब्सटिट्यूट हो सकता है अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद आप इसको अपनी स्किन पर अपनी त्वचा पर अच्छे से लगा लेंगे आई एरिया को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि इसमें फेनोग्रीक है और वो बहुत बुरी तरह से जम जाता है तो हम ऑब्वियसली उस जगह को स्ट्रेस नहीं करेंगे तो आई एरिया को छोड़ के आप बाकी लगा लीजिए लगा सकते हैं इट्स नो हार्म लेकिन आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वो वहां सूखे नहीं आपको गीला गीला ही वाइप ऑफ करना पड़ेगा दैट इज डूएबल अंडरस्टूड इसके बाद आप इसको रहने देंगे अपनी स्किन पे फॉर अप्रोक्सीमेटली फाइव मिनट सफिशेंट पांच मिनट के बाद कुछ कुछ जगह वो सूखने लगेगा बाकी जगह वो गीला ही रहेगा आपको गीला ही रखना है और इसके बाद आप टिश्यू से जितना वाइप ऑफ हो रहा है गीला गीला हटा देंगे इसके बाद जैसे आप वाटर स्प्लैश करेंगे ना वो पूरा ही गीला हो जाएगा फिर से आप इसको टिश्यू से अच्छे से बिना नाखून लगाए हम यहाँ पे कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन कपड़ा भी आपको रैश दे सकता है इसीलिए मैं टिश्यू का इस्तेमाल कर रही हूं अगर आप कपड़ा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो याद रखिएगा वो तौलिया नहीं होना चाहिए बहुत सॉफ्ट कोई माइक्रोफाइबर जैसा कपड़ा होना चाहिए देन इट्स फाइन अच्छे से क्लीन कर लेने के बाद अच्छे से गर्दन को भी क्लीन कीजिए और पूरा मतलब आपको देखिए मैंने यहाँ पे छह टिश्यूज का इस्तेमाल किया इंक्लूडिंग वो वाला टिश्यू जिससे मैंने एलो साफ किया था तो प्लीज अगर ये नहीं टिश्यू यूज़ कर रहे तो टिश्यू वही जम के यूज़ कर दो थॉटफुली और बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिए है ना थॉटफुल तो हमें रहना है हर प्रोसेस में थॉटफुल रहना है पानी वेस्ट नहीं करना पेपर वेस्ट नहीं करना जितना हो सके उतना ही हमें इस्तेमाल करना है और अच्छे से क्लीन कर देना है जब आप क्लीन कर देंगे तो ऑब्वियसली लास्ट में क्लेंसिंग के लिए एक फाइनल स्प्लैश कर लीजिए वाइप पैड ड्राई योर स्किन एंड सी द मैजिक आपकी स्किन इतनी खिंची खिंची इतनी आपको टाइटन महसूस होगी क्योंकि पॉलिशिंग में हमने जब वो वाला किया था ना हीट जनरेट की थी उसकी वजह से स्किन थोड़ी सी लूज हो जाती है ऑब्वियसली बात है नो इट्स लाइक बहुत सारा हीट ओवर देयर लेकिन फेनोग्री क्या करता है उसको वापस से कर देता है पोर्स को बंद कर देता है क्लेंजिंग एक्शन चल रहा है एवरी पॉसिबल वे द मास्क इज गिविंग योर स्किन दैट सपलनेस तो आपकी स्किन तो बहुत खुश हो जाएगी इसके बाद क्योंकि आपने अच्छे से क्लीन कर दिया द स्किन इज जस्ट वाइब्रेंट एंड हैप्पी इसके बाद आप अगर कोई सीरम का इस्तेमाल करते हैं अगर करते हैं नहीं करते हैं तो इस पॉइंट पर आप गुलाब जल ले लीजिए दस बूंद और एक बूंद होहोबा ऑयल ले लीजिए इससे बढ़िया सीरम स्किन के लिए और क्या होगा मिक्स कीजिए एंड अच्छे से अगेन आंखों के पास कोई सीरम नहीं लगाना है सिर्फ स्किन पर या जहां पर परेशानी है दैट्स इट वहां वहां पर आप अच्छे से सीरम को लगाइए खुद एब्जॉर्ब होने दीजिए थोड़ा सा समय दीजिए और इसके बाद आता है अगला स्टेप विच इज़ मॉइस्चराइजेशन ये भी बहुत ज़रूरी है आपने अपनी स्किन को बहुत अच्छे से इस वक्त यू नो एक डोज दिया हुआ है तो मॉइस्चराइज करना भी ज़रूरी है क्योंकि मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल हुआ था जो डिहाइड्रेट कर देती है इसीलिए मॉइस्चराइजेशन जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं लीजिए एंड पूरे मुंह पर मतलब आंखों पे भी एंड एवरीवेयर अपने गर्दन पे भी जस्ट अच्छे से अप्लाई कीजिए एंड सी द ब्यूटिफुल सप्पलनेस ऑन योर स्किन इसके बाद आता है फाइनल स्टेप जो कि ऑप्शनल नहीं है क्योंकि हमने बहुत ज्यादा अच्छे से यू नो क्लेंजिंग करी है तो सारे के सारे डेड स्किन सेल्स जा चुके हैं स्किन पर ग्लो आ चुका है वाइब्रेंस आ चुका है एवरीथिंग इज इन प्लेस तो प्लीज प्लीज और प्लीज सनस्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए बहुत जेनरसली अपनी स्किन पर सनस्क्रीन लगाइए हल्का सा व्हाइट कास्ट होता है इट्स ओके प्रोटेक्शन मिल रही है भाई तुमको क्या करना है वाइट कास्ट से इट्स फाइन झेल लेंगे व्हाइट कास्ट हमें पता है कि आपने स्किन पे सनस्क्रीन लगा रखा है और हल्का सा व्हाइट कास्ट होगा नो बडी इज जजिंग यू तो प्लीज़ सनस्क्रीन अच्छे से लगा के एंड देन लेट इट बी ऑन योर फेस और उसके बाद द ग्रेस इज ऑल योर्स आप अच्छे से अपनी स्किन को इंजॉय कर देखिए मुझे ज़्यादा ऑयल आ रहा है क्योंकि स्किन अच्छे से क्लीन हुई है ना तो ऑयल आना लाजमी है दैट्स वेरी वेरी नॉर्मल तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है फर्स्ट डे डेफिनेटली आएगा ग्रेजुअली कल आपकी स्किन थोड़ी और वाइब्रेंट होगी परसों थोड़ी सी और वाइब्रेंट होगी और आप देखेंगे आपकी स्किन पर हेल्थ रिफ्लेक्ट हो रही है विच इज़ अ ह्यूज थिंग है ना ग्लो ग्रेज ब्यूटी तो कोई भी कर देता है लेकिन जो हेल्थ आपके स्किन uh, रिफ्लेक्ट करती है दैट्स वेरी रेयर और वो इस प्रोसेस से आपको मिल रही है तो इसलिए आप किसी भी प्रकार का uh, ये नहीं वो नहीं मीन में ना निकालें तो बेहतर होगा हालाँकि ऑब्वियसली क्रॉस क्वेश्चन करना इज ऑलवेज हेल्दी तो कीजिए अपने लिए डिसाइड कीजिए कैसे कैसे आप इंग्रेडिएंट्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं और अपने लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं दिस इज अ वेरी इंटेंस प्रोसेस इसीलिए आप इसको हर हफ्ते नहीं करेंगे 15 से 20 दिनों में एक बार आप इसको अपनी स्किन के लिए कीजिए और यकीन मानिए आपको फेशियल की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी वो पार्लर में आप क्या कराते हो क्लीन अप क्लीन अप की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी स्किन इतनी वाइब्रेंट इतनी रेडियंट रहेगी कि आप बहुत 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 खुश हो जाएंगे तो प्लीज फील फ्री टू ट्राई इट आउट फॉर योर बच्चे अभी ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा इंटेंस प्रोसेस अपनी स्किन पे करने के लिए इतमान से जो आप जनरल चीज़ें करते हो बेसन वेसन पेस्ट बेस वो लगाइए नॉट दिस वन ये उन लोगों के लिए है जो फेशियल वगैरह कराते हैं वो लोग इसको ट्राई कर सकते हैं एक नेचुरल वे में अपने आप को यू नो बेटर ऑफ फील करने के लिए स्किन को हेल्थीफाई करने के लिए एंड इट्स अ ग्रेट 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 प्रोसेस मैं यहाँ पर क्यू एन ए सेक्शन नहीं रख रही हूँ क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ़ द जो सब्सटीट्यूट्स हैं जो अल्टरनेटिवस हैं वो मैंने साथ साथ आपको रेमेडी में बता दिए हैं लेकिन फिर भी अगर आपको अपना कुछ क्वेरी है स्किन स्पेसिफिक फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई बी देर टू आंसर ऑल ऑफ दैट लॉट्स ऑफ लव टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ सेल्फ वीडियो पसंद आई है तो लाइक like कर दीजिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रीति प्रेरणा के सभी चैनल से जुड़े रहिए आई लव यू ऑल टेक रियली गुड केयर ऑफ यूर सेल्फ